नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो इम्पोर्टेंट अपडेट। पहला अपडेट है 1% पेंशन बढ़ोतरी हर साल सरकार की मंजूरी, और देखें कहाँ और कब से। और दूसरा है 8वें वेतन आयोग पर गठन पर बड़ा अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड, हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और गवर्नमेंट को ऐसा झटका लगा है कि अब गवर्नमेंट मजबूर हो गई है मध्यम वर्ग के बारे में सोचने को। शायद गवर्नमेंट इससे पहले ये भूल गई थी कि मध्यम वर्ग ही सबसे बड़ा वोट बैंक होता है, और किसी अकेले बिजनेसमैन या रिच पर्संस के बल पर कोई भी इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री या किसी बड़े पद का नेता नहीं बन सकता। तो मध्यम वर्ग यहाँ पर सबसे अहम वर्ग होता है, किसी भी बंदे को फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए। तो गवर्नमेंट अब मजबूर है आपके वेलफेयर के बारे में सोचने को, और उन्हीं वेलफेयर से जुड़ी ही दो वेलफेयर की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेंशनर्स को 61 साल के बाद हर वर्ष 1% पेंशन वृद्धि को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। यानी कि इसको ऐसे समझो, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है और इसके ऊपर एक प्रॉपर मीटिंग हुई थी जयपुर में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें ये बताया गया है, फैक्चुअल ये सहमति हो गई है कि 60 साल के बाद उम्र के हर पड़ाव पर 1% पेंशन वृद्धि हो तो काफ़ी है, और उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। यानी कि आप 61 साल उम्र होते ही आपको 61% मिले, आपकी 62 साल होते ही आपको 62% मिले। तो आप समझ पा रहे हो, आप 50% पेंशन लेते हो आपके टोटल एमोलमेंट्स का, तो अब आप जब 10 साल का गैप लगेगा 50 से 60, उसके बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जैसे ही आप 60 को क्रॉस करोगे, 61वें साल को अटेनिंग एज ऑफ 61 ईयर्स पर आपको 1% पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी गवर्नमेंट ने दे दी। जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। पेंशनर्स को 61 साल के बाद हर वर्ष 1% की पेंशन अभिवृद्धि को सैद्धांतिक मंजूरी, सैद्धांतिक सहमति। पेंशनर को 61 साल के बाद शेष आयु के लिए प्रतिवर्ष 1% तक पेंशन अभिवृद्धि करने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राजस्थान पेंशनर मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टांक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पेंशनर साथ विश्व सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, लेखा एवं कोष निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक, बीमा विभाग के संयुक्त शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव नियम 2 और RGHS के परियोजना निदेशक के साथ बैठक हुई। यानी कि मुख्य लोग वहां पर हाजिर थे और उनके बीच बैठक हुई। बैठक में 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन अभिवृद्धि 1%, 62 वर्ष पूर्ण होने पर 2%, 63 वर्ष पूर्ण होने पर 3%, 64 वर्ष पूर्ण होने पर 4%, 65 वर्ष पूर्ण होने पर 5%, और इसी प्रकार पेंशनर की 80 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 20% की पेंशन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी यहां पर दे दी गई है। इसके अलावा पेंशन कम्प्यूटेशन तथा उसके बाद पूर्ण कम्प्यूटेशन की बहाली की समय अवधि 14 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की जाए, और पूर्व में पेंशनर्स को विटामिन कैल्शियम की दवाइयों को फिर से निःशुल्क दिलवाने वाले आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। इस पर संबंधित विभाग के सैद्धांतिक सहमति जताई है। बैठक में राजस्थान पेंशनर मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश क्रांतिकारी के अलावा 20 राज्यों के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे, और इस प्रकार जयपुर स्थित राजस्थान पेंशनर मंच के निम्न पदाधिकारी भी उपस्थित थे। और फाइनली 61 साल की उम्र में 1% वृद्धि को मंजूरी देते हुए 65 साल की उम्र में 5% और 80 साल की उम्र में 20% अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स में जो 20% पेंशन बढ़ोतरी का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल निकाला है, ये वही प्रपोजल है। बस फर्क इतना है कि अब इसे 60 साल के बाद 1% के हिसाब से लागू किया जाना है। अब आगे की खबर है, इम्पोर्टेंट खबर है वो भी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है माय डियर फ्रेंड,
कि हाल ही में गवर्नमेंट को जो झटका लगा है उसके चलते गवर्नमेंट ने एक पे कमीशन जल्द आएगा, 8वां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारी की सैलरी में भारी बढ़ोतरी उम्मीद की जा रही है। क्यों की जा रही है कि अब गवर्नमेंट मजबूर है इसको देने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास डिफेंस के बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं और उन मामलों को गवर्नमेंट चाहे तो बहुत आसानी से निपटा सकती है। 18 महीने का डीए पेंडिंग है। इसके अलावा मोटे मोटे मुद्दे मैं बता दूं, ओआरओपी की सारी एनोमलीज बाकी हैं। 1 जुलाई 2019 से जो ओआरओपी 2 लागू हुआ था, अब वो ओआरओपी का रिवीजन एक लेटर 7 नवंबर 2015 को निकाला गया था, फर्स्ट ओरिजिनल ओआरओपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके पैरा 3 के पैरा 5 में लिखा गया है कि हर 5 साल में रिफिक्स होगी। तो 2019 के बाद 2024 के 1 जुलाई को ओआरओपी 3 का इम्प्लीमेंटेशन भी होना है, तो गवर्नमेंट इसको भी लागू करेगी। और 2016 के बाद 2026 में 8 पे कमीशन लागू होना, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या है अब गठन करने वाली है। अब गवर्नमेंट मजबूर है, गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि अगली बार हमारी सरकार आएगी नहीं यदि हमने मध्यम वर्ग के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया। तो अभी तक गवर्नमेंट ने बड़े बड़े लोगों के लिए काम किए हैं, उद्योगपतियों के लिए काम किए हैं, लेकिन सैन्य वर्ग किसान वर्ग को बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने जो है वंचित कर दिया लाभों से, और कहीं ना कहीं उसका आक्रोश जो है गवर्नमेंट को झेलना पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इन दोनों बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 2024 के बजट के पहले ही 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भेज दिया है। देखा इस तगड़े झटके का क्या जो है इम्पैक्ट पड़ा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ होगा, और उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग के तहत जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर की जो अनुशंसा है वो 3.68 लगाई जा रही है, और इसके रिगार्डिंग में पहले वीडियो बना चुका हूँ कि 3.68 ही लागू होगा, और 3.68 लागू हुआ तो आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, और उसके 10 साल पूरे होने पर 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है। तो अब गवर्नमेंट को जो है ये काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अब जान चुकी है कि अगली बार मोदी सरकार या बीजेपी सरकार कतई भी आने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये 2 बड़े अपडेट थे। आई होप कि आपको ये अपडेट आपके लाभदायक रहे होंगे, आपके काम के होंगे। 8वां वेतन आयोग या ORP या DA 18 महीने का, और भी इस तरह की 20-25 एनोमलीज हैं सैन्य डिफेंस से जुड़ी हैं, उन सब का निस्तारण यदि गवर्नमेंट करना चाहे तो गवर्नमेंट के लिए कुछ भी भारी नहीं है। पर गवर्नमेंट दरअसल चाहती ही नहीं कि इनका निपटारा हो, और अब गवर्नमेंट मजबूर है कि इनमें से 2-4 का निपटारा कर ही दें, नहीं तो 2029 में जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के उनमें मोदी सरकार को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और गवर्नमेंट फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी। एक बार यदि बीजेपी सरकार को यहाँ से निकालने का मौका दूसरी पार्टी को मिल गया तो गवर्नमेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए कि दूसरी पार्टी इतनी आसानी से फिर इसको आने नहीं देंगी। तो दोस्तों ये थी 2 इम्पोर्टेंट अपडेट। इस तरह की अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट।